नीरज गुप्ता जी, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग लाइन उन्होंने कही कि ये मेरा फैसला नहीं है, ये सबका फैसला है। और अगर आप उनका उनका आंकड़ा देखें कि 2000 नौकरियां मिल जाएगी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी को, तो मुझे लग रहा है कि 90 विधानसभाओं में बांटा हुआ है इसे, 90 विधानसभाओं में बांटा हुआ है 2 लाख नौकरियों को, कि हर जगह 2000 नौकरियां दे दी जाएगी, और अगर आप वहां पर बड़े मार्जिन से जीतते हैं तो और ज्यादा नौकरियां दे दी जाएगी। और जब नीरज शर्मा ये कहते हैं कि ये मेरा फैसला नहीं है, सबका फैसला है, तो वो सीधे तौर पर पार्टी को भी घेर देते हैं। आप किनारा तो कर रहे हैं, लेकिन आप इस बात से किनारा कैसे करेंगे कि वो आपके कैंडिडेट है, आपके सिंबल पर चुनाव लड़ रहे हैं, इससे पहले वो आप ही के विधायक रहे हैं। मैंने पहले कहा है, वो उनका निजी बयान है, और हमारी पार्टी के हाईकमान हुड्डा साहब और उदय बाग जी किनारा कर चुके हैं, इसका पार्टी से कोई लेना नहीं। कई बार आदमी भावनाओं बैठ के ऐसे बयान दे देता है जिनके लिए पार्टी भी शर्मार होती है, और मुझे भी खेद वक्त महसूस कर सकता हूँ, लेकिन उनको ऐसे बयान देने से बचना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं गजब गजब की भावना है, सही हो गई। अगर आप ऐसे ये बहुत अच्छी भावना है सर। तो देखिए देखिए, मैं अभी अभी आपको एक इसके उदाहरण देता हूं। ये बयान कैसे दे सकता है एक जिम्मेदार व्यक्ति? कानून के तहत भी ये लिखा गया है कि अगर किसी को पता ना हो कि इस बयान देने के बाद क्या हो सकता है, तो उसे कम सजा होगी। लेकिन अगर कोई किसी पद पर बैठा हुआ व्यक्ति है और वो व्यक्ति ऐसा बयान दे देता है, यानी जिसे उस बात की गहराई की जानकारी है और वो ऐसा बयान देता है, तो उसके लिए सजा का प्रावधान ज्यादा है। उसके बावजूद ऐसा बयान दे देते हैं, और पार्टियां तो ये शक तक यहां पर जता रही है कि आपके ड्रामेबाज पूर्व विधायक सीधे तौर पर हाईकमान के इशारे पर ये सब कुछ कर रहे हैं। देखिए, ऐसा कुछ नहीं, उनके बेबुनियाद से हमें कुछ नहीं पड़ता, कुछ ही बोले, उनके अपने निजी विचार हैं। अगर आप ऐसे बयानों को तूल देने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे बयान इसलिए तूल दिए जा रहे हैं, हमने पहले इस बयानों से किनारा कर लिया कि इस समय इलेक्शन हो रहे हैं। ऐसे बयान तो बीजेपी शिवसेना के नेता राहुल गांधी जो जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, तो ऐसे बयान को हम कहेंगे कि हाईकमान के आदेश है? नरेश जी, नरेश जी की लपेट नहीं जताई, बयान तो बयान ही है ना, क्या वैसे बयानों से बयान है? नरेश जी को आपने सुना, वो कह रहे हैं कि हाईकमान की तरफ से तो कहीं ये आदेश नहीं आए। नीरज जी, आप समझिए, आप कह रहे हैं कि हम तूल दे रहे हैं, क्या 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 मीडिया के लोग गए थे नीरज शर्मा के पास? क्या मीडिया के लोग गए थे नीरज शर्मा के पास और उन्हें कहा था कि साहब आप दीजिए ये बयान ताकि हम इसे तूल दे पाए? मीडिया के लोग गए थे क्या शमशेर गोगी के पास और वो कह रहे थे कि साहब दीजिए आप ये बयान, करिए भ्रष्टाचार की बातें, कीजिए लोगों को लुभाने की कोशिश? हम इस बयानों से किनारा कर चुके हैं, पार्टी का उससे कोई लेना देना नहीं है, वो उनके निजी विचार है, पार्टी जो कार्रवाई करेगी करेगी, हमारा इन बयानों से कोई लेना देना। सर करिए ना कैंडिडेट से किनारा, करिए ना सर कैंडिडेट से किनारा, 89 सीट्स पर तो आप चुनाव लड़ ही रहे हैं, एक पर CPIM को आपने दिया है, तो आप कर लीजिए किनारा पूरे तरीके से और कहिए कि ये दोनों कैंडिडेट हमारे नहीं है, हम तो 87 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। देखिए, वार्निंग दी जाएगी, किनारा कैसे कर ले, हमारी पार्टी कैंडिडेट है, आप यूं तो राहुल गांधी जी पे इतने ध्यान दे रहे हो, पार्टी उनसे किनारा कर लेगी क्या? आप बताइए, चलो आप बात। हाँ सर, अब आए ना मुद्दे पर, आप किनारा कैसे कर सकते हैं? आप खुद कह रहे हैं कि हम किनारा कैसे कर ले, वही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप किनारा कैसे कर सकते हैं इतनी आसानी से? नहीं किया, हमारे बयानों से किनारा, हम खुद ही कह रहे हैं, हमारे बयान से उनके कोई लेना नहीं है, वो उनके निजी बयान है, पार्टी ये कहेगी उनके निजी बयान है, और पार्टी क्या करेगी, और उनके गलत बयान है, हम ऐसे गलत बयानों की समीक्षा नहीं करते, ऐसे गलत बयानों का समर्थन नहीं करते, ऐसे बयान देने से पहले इन्हें बचना चाहिए, वो जनता की भावना से खेल कर रहे हैं, ऐसे नहीं करना चाहिए उनको, हम खुद उनके खिलाफ है, ऐसे बयानों से कांग्रेस पार्टी का कोई लेना नहीं है। और रही खर्ची पर्ची की बात, ये तो सिर्फ कांग्रेस में नाम लिया, आज तक 10 साल की सरकार थी बीजेपी की, कोई खर्ची पर्ची का केस आया तो बताइए, इन्होंने खर्ची पर्ची का कोई केस था? हमारे CLP लीडर हुड्डा साहब ने भी विधान, लेकिन मौका कौन दे रहा है जनाब, मौका कौन दे रहा है? मौका गलत है, आप ही के चयनित कैंडिडेट जो है वो मौका दे रहे हैं कि जो पर्ची और खर्ची की बात बीजेपी लगातार करती है, इस बात का प्रचार वो तो सीधे तौर पर करती है, और आप उन्हें मौका दिए जा रहे हैं। जब ऐसे बयान देंगे तो फिर मौका ही तो मिलेगा। पंकज बेनीवाल जी के पास मैं जा रहा हूं, क्योंकि और प्रवक्ता भी है, हालांकि मुद्दा तो आप ही का है, लेकिन आप ही के साथ 1 घंटे बातचीत नहीं कर सकता। पंकज बेनीवाल जी के पास जाऊंगा। पंकज बेनीवाल जी, ऐसा बयान देने के बाद बीजेपी की भी तो कोई जिम्मेदारी बनती होगी कि जो आपके कैंडिडेट वहां से खड़े हैं, क्या जाएंगे वो इलेक्शन कमीशन के पास, करेंगे वो इसकी कंप्लेंट? और अगर कोई ऐसी एक्सक्लूसिव जानकारी आप देना चाहें कि कंप्लेंट कर दी गई है आपके लीगल सेल की तरफ से, तो वो भी आप इस मंच पर बता दें। नहीं राज जी, अभी तक मेरे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि कोई कंप्लेंट उनके खिलाफ दायर की गई है, बिल्कुल भी नहीं, झूठ बोल नहीं बोल पाएंगे आपके साथ बैठ के। ऐसी कोई जानकारी आएगी तो सबसे पहले आप तक जरूर पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी, बोलना भी नहीं है सर, इसीलिए तो कह रहा हूं कि जो फैक्चुअल चीज है वही बताएं।
बिल्कुल आपने बिल्कुल ठीक शब्दों का चयन किया था नीरज गुप्ता जी के साथ, कि नीरज शर्मा के बयान को निजी बयान कहते हैं, लेकिन कैंडिडेट निजी नहीं है, कैंडिडेट कांग्रेस का ही है। उसके बावजूद भी ये उनकी बातों से किनारा कर रहे हैं, जबकि चुनाव में मात्र 18 दिन बकाया है, और 18 दिन के दौरान आप वोटों को पोलराइज करने के लिए, लोगों को भ्रमित करने के लिए ऐसे बयान देते हैं। ये बयान अलग, और दूसरा असंध के जो गोगी जी हैं वो बयान ऐसा दे देते कि हम तो अपना घर भरेंगे पहले। और जेपी जो सांसद हैं इनके हिसार से, उनका तो महिलाओं के प्रति ये सशक्तिकरण की बात करते हैं, लेकिन महिलाओं के प्रति कैसी बद्दी टिप्पणी उन्होंने की है कि लिपस्टिक पाउडर लगा के जो महिलाओं का श्रृंगार रस माना गया है उस पर उन्होंने इतनी बद्दी टिप्पणी की है। क्या उनके घर परिवार की महिलाएं लिपस्टिक बिंदी टिक्कियां नहीं लगाती क्या? मतलब किस तरह की मानसिकता आज कांग्रेस के हर एक नेता की हो चुकी है, आज वो सबके सामने है। इन्हीं के पार्टी के कार्यकर्ता कुमारी शैलजा जी के लिए कैसे जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हैं वो भी सबके सामने है। तो कांग्रेस की कहनी और कथनी में बड़ा फर्क है। इनका जो बेसिक नेचर है, जो इनकी मानसिकता है, वो इनके मैनिफेस्टो के आने के बाद इनके नेताओं के मुंह से, जैसे जैसे चुनाव पर परवान चढ़ेगा वैसे वैसे और भी नेताओं के मुंह से ये सब सुनने को मिलेंगे। और मैं नरेश शर्मा की बात को आगे जरूर बढ़ाऊंगा कि हो सकता है कि आला कमान की तरफ से ऐसा फैसला आया हो, क्योंकि सभी प्रवक्ताओं ने ये भी कहा कि 2-2 हजार नौकरियां, क्योंकि नीरज शर्मा ने ही बोला कि 2-2 हजार नौकरियां हर एक को बांटी गई है, यानी कि पहले से इनका फिक्स था कि इन शब्दों का प्रयोग, इन शब्दों का चयन हमें अपने तरीके से, अपनी भाषा से, अपने चुनावी एजेंडे के अंदर करना है, और उन्होंने उन शब्दों का प्रयोग कर दिया और आज वो फंसते हुए नजर आ रहे हैं। और तुरंत भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इससे किनारा करने की बात कही, जबकि इस चीज के सरगना कहीं ना कहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा खुद मिलेंगे, क्योंकि उन्होंने कहा कि ये सबकी मिली हुई एक ऐसी, मेरे पे ठीकरा मत फोड़ देना। ये भी नीरज शर्मा ने कहा था उस टाइम पर कि ये सबका मिला हुआ एक फैसला है, इसलिए इस तरीके से किया जा रहा है, और जी जो बूथ ज्यादा ढोल भर देगा उसको ज्यादा भी मिलेगा। इतनी गहराई की बातें उन्होंने करने की कोशिश की, तो यहां पर साफ साफ नजर आ रहा है कि कांग्रेस की मानसिकता फिर से खर्ची और पर्ची को बढ़ावा देने के लिए, लोगों से पैसा ऐंठने के लिए लग चुके हैं।